हेलो फ्रेंड्स, कई सारे सवाल होते हैं, कई सारे जवाब होते हैं, लेकिन कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बेसिकली एनएफटी काउंसिल में क्या करना है क्या नहीं करना। सो दोस्तों, इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं एनएफटी 2019 और 20 की काउंसिल के बारे में। सो हम आपको बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, कैसे काउंसिल में जाना है, टाइमिंग वगैरह क्या है। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा सवाल बच्चों के मन में आता है, मेरी कॉमन रैंक है, ये मेरी कैटेगरी रैंक है, मुझे किस बेसिस पे काउंसिल में जाना है, और ये कॉमन रैंक क्या है, कैटेगरी रैंक क्या है, मुझे कैंपस कैसे मिलेगा, मुझे मुंबई चाहिए, दिल्ली चाहिए, गांधीनगर चाहिए, बेंगलुरु चाहिए, क्या करूँ मैं एग्जैक्टली। सो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आपका स्कोर आया है आप स्कोर को देखेंगे कि आपकी कॉमन रैंक क्या है। कैटेगरी रैंक भी मैटर करती है, बिकॉज आपको कई जगह पर अगर कॉमन रैंक पर आपको कैंपस नहीं मिलता है तो कैटेगरी रैंक पर आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है हम अपना पहले स्कोर कार्ड निकाल लें, उसके बाद देखें कि हमारी कॉमन रैंक क्या है। आपको अपनी कॉमन रैंक के बेसिस पर ही आपको कैंपस मिलेगा। आपको अपना रिजल्ट निकालना है, जो आपका रिजल्ट आ चुका है, वो रिजल्ट निकालने के बाद आपको अपने ईमेल आईडी पर आपको एनएफटी की तरफ से मेल आया होगा, कन्फर्मेशन मेल, उसका एक प्रिंटआउट निकालना। ये दोनों चीज़ें आपको अपने पास संभाल के रखनी है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे उसके बारे में हम आपको बताएं। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो आपको बताऊँ। सबसे पहले आपको लेके जाना है फोटोग्राफ, आपको दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाने हैं, और दो आपको चार आपको लेके जाने हैं स्टैम्प साइज। ये ध्यान रहे कि जो डॉक्यूमेंट उन्होंने जिस पैटर्न में जिस साइज में मांगे हैं आपको वैसे ही लेके जाने हैं। आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है, आपको 12th की मार्कशीट लेके जानी है। स्पेशली जो लोग कास्टिज्म में आते हैं, अगर कोई OBC है, ST है, SC है, तो उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। याद रहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट नेशनल लेवल का होना चाहिए, आपका स्टेट नहीं चलेगा। दूसरी चीज़, एनेक्जर, उनमें कई सारे एनेक्जर बताए गए हैं कि कई सारे एनेक्जर दिए गए हैं, लेकिन आपको एनेक्जर 1 लेके जाना है, एनेक्जर 2 लेके जाना है, और एनेक्जर 6 लेके जाना है। स्पेशली DD की बात आती है। हाँ जी, अब अगर कई सारे बच्चे बोलते हैं DD लेके जाना है, आप याद रहे 1,45,950 का आपको DD लेके जाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो DD आप दो पार्ट में बना के लेके जाएं, आपका DD एक अमाउंट का होना चाहिए, उसमें एक ही अमाउंट मेंशन होना चाहिए। DD के ऊपर आपको लिखना है NIFT-HO, जिस शहर पे आप काउंसिल के लिए जा रहे हैं उस शहर का नाम मेंशन होगा, पेएबल एट, अगर आप मुंबई लेके जा रहे हैं तो मुंबई, दिल्ली लेके जा रहे हैं दिल्ली, गांधीनगर लेके जा रहे हैं गांधीनगर। एनेक्जर 1, उसमें एक चीज़ मेंशन है कि आपको एनेक्जर 1 आपको स्टैम्प पे लेके जाना है, 10 रुपीज़ के स्टैम्प पर आपको एनेक्जर 1 लेके जाना है। 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो 50 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर लेके जा सकते हैं, नॉन जुडिशरी, या आप लेके जाना है आप एनेक्जर 1। जी हाँ दोस्तों, कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपकी काउंसिल स्टार्ट हो रही है तो उसमें 9:30 टाइम रिपोर्टिंग दिया है, तो ये ध्यान रहे कि आपको ऑन टाइम जाना है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि काउंसिल के दौरान वो अनाउंस करते हैं आपकी रैंक, और अगर आप हॉल में मेंशन नहीं हैं तो वहाँ पे आपके बाद वाली रैंक को ऑफर कर दिया जाए। बाद आपके जो नोडल ऑफिसर होते हैं, जब तक आपकी रैंक आ रही है उसके बाद वाले को नहीं दे सकते। अगर सपोज़ मान लीजिए आपकी रैंक अनाउंस की गई है वहाँ पे, तो आपके बाद वाले को नहीं ऑफर की जाएगी, अगर वहाँ एबसेंट हैं तब जाके वो ऑफर की जाएगी किसी अदर को। पहले तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाएंगे जिस ऑर्डर में उन्होंने मांगे हैं उसी ऑर्डर में आपको लाइन से ला के लेके जाना है। एक और चीज़, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपके स्कैन कॉपी वाले जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं, उन पर सर्टिफिकेट, साइंस, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए। सेम एज आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं, अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं तो वेरिफिकेशन आपका अधूरा रह जाएगा। जब आपको एक फॉर्म उठाया जाएगा तो आपके सामने वहाँ बहुत बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर आपको NFT के सारे कैंपसेस के कोर्सेज और कैंपस की अकॉर्डिंग सीट्स, वो सारी चीज़ें मेंशन होंगी। साइड में आपको एक भी ऑप्शन दिखाई देगा कि उसमें आपको ये बताएंगे वो लोग कि अभी कौन सी रैंक को किस रूम में जाना चाहिए। साइड में काउंटर्स लगे होंगे, वो लोग आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। जब आपका अनाउंस किया जाएगा तो वो लोग पहले वेरीफाई करेंगे, आपके टर्न आने का आपको वेट करना है, उसके बाद बोलेंगे इस रूम में जाना है, इस नोडल ऑफिसर आपको मिलना है। जैसे ही आप अपने नोडल ऑफिसर के पास जाते हैं, वो आपके सामने मॉनिटर घुमा देगा, जो स्क्रीन पे आपको जो जो सीट अवेलेबल हो रही है वो आपसे पूछेगा आपको क्या कैंपस चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रैंक। अगर मान लीजिए आपको वहाँ पर सीट अवेलेबल होती है और आपसे 3 बार पूछा जाएगा आपको कौन सी सीट चाहिए, जैसे आप बता देंगे मुझे गांधीनगर कैंपस चाहिए तो आप बता देंगे मुझे गांधीनगर एसेसरी डिजाइनिंग चाहिए, 3-4 बार आपसे कंफर्म करेगा, कंफर्म करने के बाद आपको कंफर्मेशन लेटर देगा, उस पर सिग्नेचर करेगा, सील लगाएगा, देन आपको दे देगा, आपसे बोलेगा आगे जाके अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लीजिए। DD आपसे पहले ही सबमिट कर लिया जाएगा जैसे ही आपके नोडल ऑफिसर से कंफर्मेशन हो जाती है तब। एक और बात ये याद रहे आपको कि अगर आप लोग
जिसकी रैंक आई है, अगर वो बच्चा मान लो काउंसिल में नहीं जा सकता है तो वो अपने बिहाफ पे किसी को भेज सकता है, जिसमें एनेक्स 7 में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि मैं नहीं आ रहा, मेरे बिहाफ पे ये इंसान मेरे काउंसिल अटेंड करेगा। हाँ दोस्तों, एक और क्वेश्चन मन में आता है कि हमारे पास सपोज अगर आप एक स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपको डोमिसाइल सीट चाहिए, तो आपको डोमिसाइल सीट लेने के लिए आपके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या अगर आपके पास नहीं है तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा जहाँ से आपने अपनी 11, 12 और 10 पास आउट करी। ये वाली आपकी जो पहली काउंसिल है ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए आपको इसको रजिस्टर करा देना चाहिए, इसकी डेट निकल चुकी है। अगर आप रजिस्टर करा देते हैं तो जो आपकी काउंसिल की जो डेट आपकी आ रही है कॉमन रैंक के बेसिस पर, आपको उस डेट पर आपको जाना है। अगर आप काउंसिल लेने जाते हैं और अकॉर्डिंग टू आपकी रैंकिंग आपको कैंपस मिल जाता है, पर सपोज आपका कैंपस आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, आप चाहते हैं गांधीनगर, दिल्ली, ऐसा कुछ कैंपस आपको नहीं मिल रहा, आपको मिला है शायद भोपाल, चेन्नई, ऐसा मिला, तो आपने कैंपस ले लिया, उसके बाद आप जो अदर दूसरी काउंसिल फिल करेंगे तो उसको काउंसिल को फिल करने के लिए आपके 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। उसके बाद अगर उस काउंसिल में आपको दिल्ली मिल जाता है या आपको मुंबई मिल जाता है तो आप वो ले सकते हैं। उसके बाद वाली जो काउंसिल जो आपकी पहली वाली काउंसिल हुई थी जो अमाउंट आपसे लिया गया था वो आपके दूसरी वाली काउंसिल में एडजस्ट हुई। ये ध्यान रहे आपको कि जनरली बच्चे ये सोचते हैं कि कॉमन रैंक के बेसिस पर ही हमारा कैंपस मिलेगा, ऐसा है, लेकिन जब आपकी कॉमन रैंक अनाउंस की जाएगी काउंसिल के लिए, तो अगर मान लो मे बी अगर वहाँ पे आपकी कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग सीट अवेलेबल होती है तो आपको कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग भी ऑफर की जाएगी। सो ध्यान रहे कि ज़रूरी नहीं है कि कॉमन रैंक बेसिस पर ही आपको कैंपस मिलेगा, आपकी कैटेगरी रैंक भी मैटर करती है। ये ध्यान रहे आप लोग कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं आपको वो डॉक्यूमेंट तो लेके जाने ही जाने, आप एडिशनली अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके जा सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, आपके आईडी प्रूफ, आपकी मार्कशीट्स की जितनी भी कॉपीज हैं, एक्स्ट्रा कॉपीज लेके जाएं साथ में। इन एनी हर केस कुछ अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो मे बी हो सकता है वो आपकी हेल्प करें, सो अपनी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेके जाएं और टाइम पे जाएं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर काउंसिल है और NFT बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों में। सो दोस्तों, अभी तो हमने आपको NFT काउंसिल के बारे में बताया है, आगे हम आपको और भी चीज़ें बताते रहेंगे। जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, फाइनेंस, उससे रिलेटेड सारी वीडियोज़ हमारे अपलोड होती रहती है, तो प्लीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ये करंट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।